बाबर अली और आप देख रहे हैं हाउ टू मेंटेन चैनल। तो दोस्तों मैं ये काम करता हूँ, मैं मेंटेनेंस करता हूँ इन मशीनों की और इनकी वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ ताकि आप लोग इसको देखें और अपनी मशीनों की मेंटेनेंस खुद कर सकें ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो आ जाए इंशाल्लाह हम इस मशीन पर जो कि इन भाई की मशीन है। तो इनका ये मसला आ रहा है कि ये बाबिने काट रही है और वो किस वजह से काट रही है मैं बताता हूँ आप लोगों को। कुछ सेटिंग मॉनिटर पे भी होती है और कुछ सेटिंग नीचे शटलों पे भी होती है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए मॉनिटर पर। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या काम करना है, इसकी सेटिंग देखनी है मॉनिटर की। ये सेटिंग पर गए आप, यहाँ से 7 नंबर, ये 7 नंबर की सेटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली सेटिंग आ रही है फ्रेम की। अगर आपके पास ये चल रहा है, मकसद है ये सिंधी टोपी वगैरह चल रही है या कुछ भी चल रहा है, तो आपने इस फ्रेम को रखना है F2 230। ओके कर देना है। बाकी ये यहाँ पे वाई ओके, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, पेज काउंट 2 ये भी ठीक है, एक्शन एफ्टर पेज स्लो ये भी ठीक है, और ये स्टीच नॉट टीबी डेडिकेट, यहाँ पर आपने रखना है नंबर 4, ठीक है। ये वो चीज़ है कि जब आपकी मशीन चल रही होती है तो बार बार धागा तोड़े या बाबिन काटे, ये उसका टांका है, या बार बार बिला वजह सिग्नल दे, ये उसके टांके की है, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद आपने यहाँ देख लेनी है सेटिंग, आपने ये सही है, ये भी सही है, ये जंप सही है, ठीक है, ये यहाँ पर सारा कुछ ओके। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ भी सही है, ओके सारा कुछ। तो ये तो हो गई मॉनिटर की सेटिंग, तो ये सेटिंग तो सारी हो गई। अब ये एफ्टर स्पीड एफ्टर पेच है, यहाँ पे आप 750 रख लें तो बेहतर है। ये यहाँ पे सही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, अगर फिर भी आपकी मशीन में कोई इशू आता है तो उसके बाद हम चलते हैं शटलों की तरफ, ठीक है। तो ये है मशीन के शटल, आपने इनको सबसे पहले चेक करना है इस वाली नोक को कि इस पर कोई धार तो नहीं है। अगर धार आई होगी तो ये लाजमी बाबिन काटेगा, यहाँ पे किसी किस्म की धार नहीं होनी चाहिए। और आपने बाबिन केस देखना है बिल्कुल लूज़ हो, ठीक है। तो यूसुफ भाई आप भी ये सुन रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही करना है इंशाल्लाह। उसके बाद अभी हम चला के देखते हैं इसको थोड़ा सा डेमो मशीन का। हाँ तो यूसुफ भाई अब बताएं, आप यहाँ सामने आ जाएं, मेरे सामने भाई अब बताएं कि इस सेटिंग के बाद आपकी मशीन किस तरह से रिएक्ट कर रही है। काफ़ी बेहतर चल रही है, अल्लाह पाक की मर्जी से अच्छी चल रही है। नहीं, हमारी मर्जी नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। बहुत भाई से, बहुत सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ऑपरेटर होते हैं ना, जो ये खुद अपनी मशीनों की मेंटेनेंस किया करो। आप बुलाते हैं किसी को, लेट नाइट हो जाती है, किसी मेंटेनेंस वाले को बुलाते हैं वो नहीं आता या बिजी होता है, तो इसे 100 मसले आ जाते हैं, तो मशीन बंद करनी पड़ती है, जाहिर है। तो ये चीज़ें आप खुद किया करें। आप अगर वीडियो देख लें या मेरी वीडियो देख लें, किसी और की वीडियो देख लें, हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ देख कर अपनी मशीनों ओके बना सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।